Now, in this video, we want to discuss about the chemical reactions of alkanes. So, alkanes ka sabse pehla jo reaction hum discuss karna chahte hain, wo hai combustion. Hum sabko pata hai, combustion is the burning or reaction of anything with the oxygen of air. So, combustion ko hum burning bhi kehte hain, aur burning ka matlab kisi cheez ko jalana, yani chemistry ke language mein उसका हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना. अल्केन्स जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, दे आर फ्यूल. इन्हीं के मुख्तलिफ मेंबर डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन्स दे हैव कैन बी यूज एज ए नेचुरल गैस, कैन बी यूज एज पेट्रोल, कैन बी यूज एज केरोसिन ऑयल, कैन बी यूज एज डीजल फ्यूल. तो ये सब के सब बहुत अच्छे फ्यूल हैं. और क्यों है फ्यूल? इसलिए कि जब इन्हें हम बर्न करते हैं, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ कम्बस्ट होते हैं और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बनाते हैं. सो दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. तो हम इस वक्त उसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा, सारे अल्केन्स एक ही पैटर्न पर रिएक्शन करेंगे, और उसूली तौर पर अगर हम किसी एक अल्केन की इक्वेशन याद कर लें तो समझो सबकी याद हो गई. जाहिर सी बात है, जब पहली दफ़ा ऐसा कोई काम करेंगे तो हम तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे ताकि आपको अच्छी तरह सिखाएं, और जब आपकी बात समझ में आ जाएगी तो फिर आगे हमें इतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मसलन, मैं इस इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के तौर पर ऐसे लिख सकता हूँ कि कोई भी अल्केन, अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यू नो फ्यू अल्केन, सब कम अज़ कम कुछ के तो नाम आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं. कोई भी अल्केन कम्बस्ट करें तो उसका मतलब है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़बरदस्त हीट भी निकलेगी. अब इसे अगर हम प्रॉपर इक्वेशन की सूरत में लिखें तो अल्केन के लिए हम ले लेते हैं मीथेन CH4 और इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हीट भी बनती है, और लिखना चाहें तो हम ऐसे करके हीट लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द नेसेसरी पार्ट ऑफ इक्वेशन, तो इसे हम ओमिट भी कर सकते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन है. एक्चुअल इशू ये है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब आप उसे एयर में जलाते हैं यही रिज़ल्ट निकलेगा. इशू ये है कि हर दफ़ा जब आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे, इस वक्त CH4 है एंड दिस इज़ फॉर मीथेन, तो आपकी इक्वेशन की बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी. यूँ तो बैलेंसिंग का कोई प्रिस्क्राइब मेथड नहीं होता, लेकिन यहाँ है. आपको जब भी इक्वेशन बैलेंस करनी हो, एक ऑर्डर का ख्याल रखें. पहले कार्बन को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को. तो सबसे पहले कार्बन, वो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है. उसके बाद आप अगर नोटिस करें तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं, इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो अब हाइड्रोजन भी 4 हो गए. अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ गिनिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, और अब चूंकि 2 वाटर बन गए हैं तो 2 यहाँ भी हैं, टोटल हो गए 4, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे. इस तरह ही इक्वेशन बैलेंस हो गई. एक ख़ास बात, कम्बस्शन में 2 टाइप्स हैं. ये जो कम्बस्शन है इसे हम कहते हैं इन एक्सिस ऑक्सीजन. अगर हम आपसे कहें कि हमने मीथेन को एक्सिस ऑक्सीजन में जलाया है तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है. लेकिन अगर हम यही बर्निंग लिमिटेड ऑक्सीजन में करें, यानी ये तासुर दें कि हमने जिस एयर में मीथेन को कम्बस्ट किया है उस एयर में प्रॉपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो उस सूरत में मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा. तो इफ़ देर इज़ एन एक्सेस ऑक्सीजन यू शुड हैव कार्बन डाइऑक्साइड, इफ़ देर इज़ ए लिमिटेड ऑक्सीजन यू शुड हैव कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये चीज़ इवन वैलिड है फॉर ऑल अदर एल्केन्स. तो जो हमने यहाँ कम्बस्शन और बर्निंग की जनरल इक्वेशन लिखी थी उसमें भी हम ये बात लिख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन एक्सिस है तो ये इक्वेशन है जो आपने लिखी है, और अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो फिर जो रेड से हम लिख रहे हैं वो रिज़ल्ट है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा.
तो अब जब हमने मीथेन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो बैलेंसिंग उसकी भी वैसे ही होगी। इफ़ यू हैव वन कार्बन, इधर भी आपके वन कार्बन है, चार हाइड्रोजन है तो यहाँ टू लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर थ्री है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में, दो वाटर में, तो अब यहाँ कैसे थ्री लाएँ? ये तो ओ टू है, तो हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, और फ्रैक्शन क्या है? थ्री अपॉन टू। तो अगर ओ टू में दो ऑक्सीजन है तो आप बेसिकली एक ऑक्सीजन में दो मॉलिक्यूल हैं, तो आप यही कहेंगे कि मैं 1.5 ऑक्सीजन यूज़ करूँगा, और 1.5 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। हम आमतौर पर फ्रैक्शन में यानी पॉइंट्स में या अपॉन में बैलेंसिंग को अच्छा नहीं समझते। तो जैसे ही आपने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3/2 करना पड़ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। तो उस सूरत में हमारी इक्वेशन की करेक्ट या ज़्यादा बेहतर बैलेंसिंग हो जाएगी, 2CH4+3O2 2CO+4 वाटर। अब आप अच्छी तरह क्रॉस चेक कर सकते हैं, कार्बन दोनों इक्वेशंस दोनों साइड्स पर दो हैं, हाइड्रोजन दोनों साइड्स पर 8 हैं और ऑक्सीजन दोनों साइड्स पर 6 हैं। इस एग्जाम्पल से दो बातें पता चली। पहली, एक्सेस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, लिमिटेड ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी, इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त आप पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, और फिर पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। और अगर हमें फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ा तो हम पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कर देंगे। बस ये दो बातों का ख्याल रखना है, तो ऐसे बात ख़त्म नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगर मेरे पास अल्केन में सेकेंड मेम्बर है एंड विच इज़ ईथेन, और मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ विद एक्स इज ऑक्सीजन, तो C2H6 ईथेन का फॉर्मूला है, एक्स इज ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। हीट शो करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के लिए हम फिर वही काम करते हैं कि सबसे पहले कार्बन, तो दो कार्बन है, यहाँ टू लगा दिया, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 लगा दिया। अब जब हम ऑक्सीजन गिनते हैं तो 2 2 4 और 3 7, ऑड नंबर में ऑक्सीजन आ गए, और ऑड नंबर में आ गए तो हमें फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब 7 का फ्रैक्शन बनेगा 7/2, तो यहाँ ओ टू है, ये मिलकर 7 ऑक्सीजन बन जाएंगे। और जैसे ही आपने देखा कि मुझे अपॉन टू करना पड़ रहा है, मुझे याद आ गया, एंड आई से दैट ओके, ज़्यादा बेहतर ये है कि आई शुड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इक्वेशन बनेगी 2C2H6+7O2 4CO2+6H2। इसी तरह अगर मैं सेम इक्वेशन को लिखता हूँ इन लिमिटेड ऑक्सीजन, तो लिमिटेड ऑक्सीजन में C2H6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। फिर इक्वेशन बैलेंस कीजिए और फिर वही हिसाब आ जाएगा कि हमारे पास दो कार्बन है, हमने यहाँ 2 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन है, 3 लगा दिया, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, मगर ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 यहाँ, 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। और फिर पूरी इक्वेशन ट्वाइस होगी, तो ये इक्वेशन बनेगी 2C2H6 5O2 4CO एंड 6H2O। दिस इज़ बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह ये पहला रिएक्शन हुआ जिसे हम किसी भी एल्केन के साथ करें, तो आपने इसका यही हिसाब रखना है, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड रिएक्शन ऑफ ऑल एल्केन्स इज वॉट वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? नाम से जाहिर है, ये वो रिएक्शन है जिसमें हम अल्केन से किसी एटम को किसी और एटम से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्केन में दो ही तो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो सब्स्टिट्यूशन होती है हमेशा हाइड्रोजन की। तो रिएक्शंस ड्यूरिंग विच
हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम, और वो अदर एटम हमारे केस में है हैलोजन। इसका मतलब है हम अल्केन के हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, तो ऐसी सूरत में रिएक्शन कहलाता है, एग्जाम्पल हो गई हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या चीज़ है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। सो ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल देंगे हैलोजिनेशन की, और हैलोजन हमें पता है, हैलोजन्स का जनरल सिंबल है एक्स। अगर हमें हैलोजन को एज ए हैलोजन लिखना हो तो उसका जनरल सिंबल है एक्स, एक्स फॉर हैलोजन। और इसका मतलब कौन कौन है? इसका मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, बल्कि सबसे पहले फ्लोरीन, आयोडीन और एस्टरीन। इन हैलोजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं हर जगह पर, और हम इसमें से सबसे कॉमन वाले यानी क्लोरीन को यूज़ करते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे विद एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये है हमारे सामने मीथेन, पहचानते होंगे हम इसे, CH4 है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन से, जो कि मॉलिक्यूल की सूरत में है Cl2। इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम सनलाइट दें, तो ये रिएक्शन डार्क में नहीं हो सकता है, ये हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो ये हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। तो अब कार्बन से एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें तीन हाइड्रोजन होंगे और चौथी जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ था वो अलग हो गया, और उसने क्या किया, हमारे पास दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऐसे साइड प्रोडक्ट बनाएगा। इस कंपाउंड को अब हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड था मीथेन, इस मीथेन में क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम इस निस्बत से हो जाता है क्लोरोमीथेन, यानी ऐसा मीथेन जिसमें क्लोरीन भी है। हम इस इक्वेशन को स्ट्रक्चर की जगह फॉर्मूले की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो हम उस सूरत में सारे हाइड्रोजन मिलाकर ऐसे लिखेंगे, रिएक्ट विद क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में, और यहाँ जो चीज़ बनेगी इसे भी मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया क्लोरोमीथेन और HCl। इस रिएक्शन की ये पहली इक्वेशन है। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि असल में ये रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है जब तक क्लोरीन मीथेन में से एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस ना कर दे। तो अभी तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा है, अभी भी तीन बाकी हैं, तो अब ये तीन जो बाकी हैं ये एक एक करके अलग होंगे। सो ये पूरी इक्वेशन चाहे हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये एक इक्वेशन हो गई। अब हमारी दूसरी इक्वेशन, अब दूसरी इक्वेशन में हम रिएक्शन करवाएंगे उस कंपाउंड का जो पहली इक्वेशन में हमने हासिल किया है, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, जिसका नाम हमने रखा है क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन ने दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करना है Cl2 से, उसी सनलाइट की मौजूदगी में, और अब उसका शिकार बनेगा कोई और हाइड्रोजन। तो अब इन बाकी बचे हुए तीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी का पिक कर लीजिए। हमने इसे रेड से मार्क कर दिया कि हम इस हाइड्रोजन को अब शिकार करना चाहते हैं। अब ये हाइड्रोजन भी गया और इसकी जगह भी क्लोरीन आ गया।
तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये इसी तरह साइड प्रोडक्ट में HCl बना देता है। अब जो कंपाउंड बना, चूंकि उसमें दो दो क्लोरीन है, इसलिए उसका नाम होगा डाई क्लोरो मीथेन। पहले एक क्लोरीन वाला था तो क्लोरोमीथेन, अब दो क्लोरीन वाला है तो डाई क्लोरोमीथेन। लफ्ज डाई का मतलब होता है टू। इसी इक्वेशन को फिर उसी तरह आप मिलाकर लिख सकते हैं। आप सिर्फ यूँ लिख दें CH3Cl Cl2 सनलाइट की मौजूदगी में। और CH2Cl2 बन जाएगा विच इज डाई क्लोरोमीथेन। अब हम इसकी तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं और कुछ कुछ आपको भी अंदाज़ा होगा, काम तो आसान और मज़े का है। दो क्लोरीन लग चुके हैं, दो हाइड्रोजन रह गए हैं, अब उनका शिकार करेगा यही क्लोरीन, मगर रोशनी में। कोई काम अंधेरे में नहीं करता, ये सबको दिखा के करता है। तो ये तीसरा हाइड्रोजन अब हमारा शिकार बनेगा और इस तरह हमारे सामने अब जो कंपाउंड आएगा उसमें कार्बन के साथ तीन जगह क्लोरीन होगा, अब सिर्फ बेचारा एक हाइड्रोजन रह गया और उसी तरह साइड प्रोडक्ट बन गया। इसे हम इस निस्बत से कहेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन। और यहाँ भी वही बात है कि आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि CH2Cl2 क्लोरीन सनलाइट और फिर CH Cl3 ट्राईक्लोरोमीथेन बन गया। और अब ये बात आसान है कि लास्ट स्टेप में अब आपके पास वो कंपाउंड आ गया है जो जिसमें एक ही हाइड्रोजन बाकी रह गया है। तो अब देखते हैं, जो एक रह गया है ये भी अब इस क्लोरीन के हाथों रिप्लेस हो जाएगा। फिर ना भूलिएगा कि काम के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो ये हाइड्रोजन की अब बारी आ गई और अब इस हाइड्रोजन को भी हमने रिप्लेस किया। ये रिएक्शन अब रुकता है जब सारे हाइड्रोजन अलग हो गए और उनकी जगह पर क्लोरीन लग गया। तो इस तरह इसका नाम है टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH Cl3 क्लोरीन से सनलाइट की मौजूदगी में मिलेगा और बनाएगा CCl4 एंड HCl। इस तरह ये दोनों रिएक्शंस हो गए अल्केन के, जिसमें ख़ास तौर पर ये दूसरे रिएक्शन में आपने देखा कि अल्केन ने किस तरह सब्स्टिट्यूशन करके अपने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया है। फ़र्ज़ कर लें आपका दिल चाहे कि यही रिएक्शन ईथेन से करें तो उसमें छः हाइड्रोजन थे। ऑब्वियसली उसे अमूमन किताबों में इसीलिए नहीं लिखते कि अब आपको छः इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, लेकिन एक जनरल बात पता चल गई, अल्केन चाहे कोई भी हो उसके हाइड्रोजन एक या एक से ज़्यादा हम इसी तरह रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हो गए अल्केन्स के रिएक्शंस।